हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज यानी करंट फीलिंग्स पर होने जा रही है, नॉट दी एनर्जीज। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी जेन्युइन ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, तो ये हम चेक करेंगे। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका, उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन पे मैच करते हुए लगे। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस है, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। ऑलराइट, वेरी लेसन ओरिएंटेड। Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, very strong. Taurus, Virgo, Capricorn, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. आपके पर्सन की फीलिंग्स में एक बात, एक एनवी फील हो रही है। वो ये कि आपके पर्सन ये सोच के भी बड़े स्टंड हैं कि आप उनके बगैर इतने सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं। उनको लगता था कि वो आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, अगर वो ना हो तो शायद आप कभी भी इस फॉर्म में नहीं आएंगे। लेकिन बियॉन्ड ऑल दोज इनसिक्योरिटीज़, आपकी ख़ुद की भी इनसिक्योरिटीज़ जो इनके साथ डिटैचमेंट की बेसिस पर हैं, आप इस एनर्जी में रहते हुए अपनी तरफ बहुत सारे ऑप्शंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमेशा शायद ऑप्शंस की जंग में और कंफ्यूजन में ही पड़े रहते हैं, जबकि आप बड़े फ्यूचरिस्टिक पर्सन हैं। आपको मुस्तकबिल का, सक्सेस का, ग्रोथ का, इन तमाम चीज़ों का काफ़ी इल्म है। आपको अंदाज़ा है कि खुशी को खुशी के टाइम पे ही सेलिब्रेट किया जाता है, खुशी को मैयत पे और मैयत को खुशी में मिक्स नहीं किया जाता। जबकि इनके कुछ मिक्स्ड इमोशंस और सेंटिमेंट्स लग रहे हैं। ये सक्सेस के टाइम पर रोना शुरू कर देते हैं, और रोने के टाइम पर इनको प्राउड नज़र आता है, और प्राइड के टाइम पर इनको लगता है कि ये सारे ऑप्शंस मेरे लिए सही नहीं हैं। तो कुछ ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूजन है, वरना उनकी ट्रू फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त वो कहीं ना कहीं से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपकी विक्ट्री को, आपके डिटर्मिंड होने को, आपके सेलिब्रेट मूड को, आपके जॉयश मूड को, इंजॉयबल मूड को ये कहीं ना कहीं से नोटिस कर रहे हैं। और आपकी विक्ट्री और आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं इनको काफ़ी हद तक एक डाउन और एक एनवी फील दे रही है। आप टस से मस नहीं हो रहे आजकल, आप अपनी पावर में भी हैं, काफ़ी नर्चरिंग, अपने फाइनेंसेस को लेकर बड़े स्टेबल हैं। कोई एटीट्यूड, कोई भरम, कोई झूठा दावा, कोई जेस्चर आप ऐसा कहीं से शो नहीं कर रहे जिससे आप कमज़ोर नज़र आएँ। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जो उनकी ट्रू फीलिंग्स इस वक्त हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे एनवी नज़र आ रही है। एक जेलसी वाला नहीं, लेकिन इस तरह का कि कैसे, मतलब कैसे। लेट्स सी मोर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव चेंज, डेविल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा भाई, आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके पर्सन आपसे लड़ाई करना चाहते हैं। वो लिटरली आपका गरेबान पकड़कर आपको ये पूछना चाहते हैं कि आपने उनको क्यों छोड़ा है। लेकिन वो आपसे क्या लड़ेंगे, उनसे खुद इस वक्त सब लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि उन कुछ चिड़े हुए हैं इस वक्त। और कल कला को एक वक्त था कि जब उनको ये लगता था कि ये कभी भी चीज़ ओवर नहीं होगी, इसका ऑब्सेशन जो मेरी फॉर्म में है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। विद द डेथ कार्ड मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, मतलब लग क्या रहा है, बिल्कुल क्लियर है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स की मैं बात करूं तो इस वक्त वो हर किसी से झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने आपके और अपने साथ जो किया है ना, वो इनका खुद का किया हुआ है, इनको किसी ने फोर्स नहीं किया था। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने अपनी चॉइसेस में आपको चॉइस नहीं बनाया, वही जो बात मैंने अभी कही थी ना कि कंफ्यूजन हो जाती है इनको। लेकिन अब इनको आपको देखकर लग रहा है कि धुतकारने के बाद, छोड़ देने के बाद, सब कुछ कर देने के बाद भी
ये वैसी की वैसी ही है, बल्कि और आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है। मतलब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप ले लें, काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, कहीं पर भी इनका इनकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही और टूटे हुए हैं। कोई काम, कोई गुत्थी सुलझाना चाहते हैं, कुछ सुलझ नहीं रही, बिकॉज एक तो इनको लग रहा है कि चीज़ें सब ख़त्म कर दी हैं आपने, लिटरली इनकी फीलिंग्स ये हैं, और ये आपसे लड़ना चाहते हैं, आपसे झगड़ा करना चाहते हैं विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन हलक से जिसे कहना चाहिए आवाज़ नहीं निकल रही। लेट मी सी ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है। यस, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इनके ख़ुद से हाथ से कुछ ना कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से ये ना बोल पा रहे हैं और ना कुछ कह पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं, सफोकेटेड हैं, फंसे हुए हैं। ये कुछ अपने आप को इस वक्त प्रूफ नहीं कर सकते एंड दे आर कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग यू कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। वही फियर्स इनके भी थे, वही फियर्स आपके भी थे, बट आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं और ये एट ऑफ सोर्ड्स हैं। आपने बहुत कोई मेगा शिफ्ट और मेगा चेंज किया है अपनी लाइफ में, विच इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लेट सी मोर। मेरा इरादा नहीं था कि मैं ये वाला ओरेकल लूँगी, क्योंकि मैंने सारे लाइन से यहाँ पर फीलिंग्स के लिए, यही होता है, टैरो निकालो और एनर्जी पलट जाती है। लेट सी और किस एनर्जी में है उनकी ट्रू फीलिंग्स। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट नंबर 4, पैशन इग्नाइटेड, बैलेंस, काफ़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील हो रहा है, ये आपसे बात करेंगे। ओ माई गॉड, 1114। नाउ ये भी 1111 कार्ड होता है, तो दैट मीन्स ये पर्सन फॉर श्योर आपसे कॉन्टैक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ये बहुत मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि जो इन ऑप्शंस की बेसिस पर मैंने इसको ऑप्ट नहीं किया, शी और ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड, और इनको बहुत लग रहा है कि ये आपसे बात करें, आपसे कुछ ना कुछ ये कम्युनिकेट ज़रूर करें। ये आपके लिए काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, ये कोई कमिटमेंट अपने आप से भी करना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट भी आपको बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब ये रेडी हैं बैलेंस देने के लिए एंड दे वांट टू कम्युनिकेट दिस टू यू। ये आपकी सक्सेस का, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, ये नहीं आपसे अलग रह सकते और ये बहुत उजलत में हैं, ये बस चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये बात करें, लेकिन हलक से जो है ना आवाज़ इनके नहीं निकल रही, अंदर ही अंदर फूटे पड़ रही है एनर्जी, पैशन फूटे पड़ रहा है लेकिन नहीं बोल पा रहे। ये चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी से ये कमिटमेंट ऑफ़र करें, ये फाउंडेशन ऑफ़र करें, ये अचीवमेंट ऑफ़र करें, बट दे कैन नॉट, दे आर वेरी स्टक, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत है। इनसे लिटरली यूनिवर्स ये चीज़ करवा रही है इनको, और इनको ख़ुद समझ नहीं आ रहा कि क्या पलटी मार दी है किस्मत ने, क्या पलटी मार दी है कि मेरी चॉइस में था कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसको रखूं और किसको ना रखूं, और यहाँ पर ये कैसे हो गया। फिर से 5 आया है, आपने कोई मेगा शिफ्ट लिया है अपनी लाइफ में, और वो मेगा शिफ्ट ये है कि आप जितने भी ऑब्स्टिकल्स में, जितने भी चैलेंजेस में आप रहते थे, आप उनको पार करना चाह रहे हैं, और ये पर्सन काफ़ी सिग्निफिकेंटली आपको ऑब्ज़र्व कर सकता है कि आप अब रुकने वाले नहीं हैं। यू आर टूवर्ड्स ग्रोथ, यू आर टूवर्ड्स अचीवमेंट, एंड दिस पर्सन कैन स्ट्रांगली सेंस कि आप बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। दिस इज़ देयर फीलिंग, ये इनकी फीलिंग्स हैं। लेट्स सी, यहाँ से चेक करते हैं। योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स, ये अपनी फीलिंग्स छुपा भी बहुत रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ, शायद मैंने अभी बताया भी है। उप्स, ओके, शायद आप आगे बढ़ने में एक सबसे बड़ा डिसीजन ये भी है कि आपने अपनी शादी का डिसीजन ले लिया है, और आप आजकल बहुत ग्लो कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आप अपनी लाइफ का जो डिसीजन लिया है, इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करने की कोशिश की होगी, आपने फ्रेंड जोन में कोई डिसीजन लिया होगा जिसकी वजह से, बिकॉज यहाँ 1111 का कार्ड आया है, 4 का कार्ड है, ये शादी का कार्ड होता है, एक्चुअली फैमिली का कार्ड होता है, और ये शायद इनको बहुत ही अजीब सी बात लग रही है कि इसकी लाइफ का फ्रेम तो मैं हूँ, मेरे अलावा कौन है,
बट दे रियली वॉन्ट टू टेक यू आउट फॉर अ डेट, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप इनको एक्चुअली इनकी तरह ही बिहेव कर रहे हैं, जैसे ये खुद हैं वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, तो उनको हैरानगी भी हो रही है कि मेरे ही ट्रीटमेंट मेरे साथ, यानी मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं वाली बात। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स में, इनकी फीलिंग्स में ये बात बहुत क्लियर है। दे फैंटसाइज, दे विजुलाइज यू एज देयर लाइफ पार्टनर एंड दे नो दैट यू आर सो अट्रैक्टिव, लेकिन खुलकर सामने आ जाता है वो झूठ, वो धोखा जो इन्होंने आपके साथ किया है। इसीलिए आप रुके नहीं, क्योंकि जब झूठ और धोखा रिवील हो गया तो आप रुके नहीं, बट दे वॉन्ट टू गिव यू स्पेशल टाइम एट द मोमेंट, अनरिक्वेटेड लव। यस, शायद आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं कि वो आपके साथ एक लॉन्ग वेकेशन प्लान करें, बिकॉज यहाँ पे हनीमून का भी कार्ड आया है। दे रियली वॉन्ट टू स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम विथ यू, वेयर दे कैन हैव अ लॉट ऑफ डीप कन्वर्सेशन, और वो एक्सप्रेस कर सकें आपसे कि वो कितना ट्रू लव आपके लिए रखते हैं। बट आई थिंक इट्स टू लेट, अब पछताए तो क्या पछताए जब चुड़ियां चुग गई खेत। ठीक है जनाब, लेट्स सी, यहां से चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। अपनी पावर में फुल ऑन हैं आप, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको एहसास हो रहा है, बट ये बोलेंगे नहीं। साइंस एंड क्लूज, सी द यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू यू, जो अभी बात में कह रही थी कि यूनिवर्स इनको पुश कर रही है, और शायद आपको भी स्ट्रांगली ये बात फील हो रही है। मेरा कैमरा जो है वो फेस डिटेक्ट कर रहा है। मोमेंटो, अ गिफ्ट फ्रॉम समवन स्पेशल, अभी मैंने बात की थी, या आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग वेकेशन पर प्लान करते हैं कि आपको कहीं ले जाएंगे। टीज, द एनर्जी इज फन एंड लाइट हार्टेड बट अनसर्टेन। विजुलाइजेशन बहुत पीक पर है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही लेस एक्सप्रेसिव वे में है। फियरलेस लव, शायद आप हमेशा लीड करते हैं वेन एवर यू बोथ आर टुगेदर, और आपके अंदर ये दम है कि अगर आपको कोई चीज़ केटर नहीं कर रही होती तो आप कोई ना कोई डिसीजन बड़ी आसानी से ले लेते हैं, बिकॉज आप बॉदर नहीं करते कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, कोई क्या कहेगा, साथ बैठे में हाथ पकड़ लिया, गले लगा लिया, पब्लिक में भी ऐसा कर दिया, आप ऐसे हैं, और लोग उसके डबल मीनिंग्स लेते हैं, तो आप इतना यू नो यू डोंट गिव अ शिट। रीचिंग आउट, ये आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपसे कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको इनकी कॉल और इनका टेक्स्ट रिसीव होगा, और मे बी ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसमें आपको लगे कि हाय ये कहाँ से मेंढक की तरह निकले बारिश के बाद, तो कुछ इस तरह की भी है बात और एनर्जी। बट यू आर गोइंग टू रिसीव, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट यू आर गोइंग टू रिसीव अ टेक्स्ट मैसेज एंड अ कॉल, किसी न किसी चीज़ पर, क्योंकि इनके पैशन तो इनका कंट्रोल हो नहीं रहा है। लेट्स सी और इनकी फीलिंग्स में क्या है। द ट्रूथ बिहाइंड द इल्यूजन्स, इल्यूजन्स की बात मैंने कही थी, यहाँ पर आ गया, ये आपको कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। इनको कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जिससे ये बिल्कुल इस तरह से इंक्वायरी कर रहे होंगे कि कहाँ है यार आजकल, और कुछ अता पता नहीं है, तुम्हारी बात बात हुई। द लाइटनेस ऑफ बीइंग, इनको अपना ही वजूद जो आपकी वजह से एक बहुत लाइट लगता था, वो एलिमेंट इनको मिसिंग लग रहा है। हैवी फील कर रहे हैं, जबकि इनको अगर ये सॉलिट्यूड लवर थे तो इनको इजी फील करना चाहिए। एज गैप मुझे लग रहा है यहाँ पर, और इस एज गैप में आई थिंक आपने यंग होते हुए इनको बहुत बहुत कहना चाहिए, बड़ा फियरलेस जिसे कहना चाहिए ना, बड़ा रिस्पांस दिया है, और हमेशा जिस तरह से इन्होंने मैच्योर होके आपको हैंडल किया, आपने उतना ही चाइल्डिश वे में रिस्पॉन्स जो आपका होता था वो उस लेवल का मैच्योर होता था। यानी आप इनसे एज में बहुत गैप में आपका डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यू नो रोमांस मेकिंग
आपने इनको इनकी तरह से ट्रीट किया है, और बहुत स्ट्रांग मुझे लग रहा है कि आपका कोई एक क्रश है, आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है और आपका एक लव है। ये मुझे यहाँ पर दो लोग नज़र आ रहे हैं और दोनों आपके पीछे बड़े दीवाने हैं। द ग्रेट थिएटर ऑफ लाइफ, यहाँ पे भी दो लोग हैं और बहुत ड्रामा देखा है आपने इस आदमी का, बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ यू नो थिंकिंग अबाउट, एंड उनकी फीलिंग्स में ये बहुत है कि इनको मौका मिले तो ये आपको लिटरली जेस्चर के थ्रू बताएं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, लेकिन शायद ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव हैं। और एट ऑफ सोर्ड से पता भी चल रहा था, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ सोर्ड से इनका थ्रोट चाक्रा ब्लॉक है, ये अपने दिल की बात नहीं बोल सकते और आपकी खामोशी और साइलेंस इनको बहुत मारे दे रही है। बट आई थिंक इन्होंने इतना ज़्यादा ये ट्रीटमेंट आपके साथ किया है कि आपको फिक्र भी नहीं है कि ये आते हैं या नहीं आते, यू आर हैप्पी इन योर ओन लाइफ। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं जो आपके लिए हैं। देखिएगा टेक्स्ट कॉल आता है, क्या बात करते हैं, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको साइंस और क्लूज़ भी मिल रहे हैं, आपको फील भी हो रही होगी, आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही होगी, आपको लगता होगा किसी ने आवाज़ दी, आपको पुकारा, ये सारी चीज़ें होती हैं, ख्वाब आ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, आपको बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहे होंगे आप, आपको लगता होगा कोई टेक्स्ट मैसेज आया है और ये बहुत ही बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये फीलिंग्स में है, कनेक्ट कर रहे हैं वो आपसे, तो चीज़ें भी हलचल मचा रही हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।